हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीनियस मिलिट्री एकेडमी। मैं पायस सोनी, यूएस इंग्लिश टीचर। आज मैं आपको कराऊंगी हमारे वॉइसेस, ठीक है? जैसे कि हमारे पहले टेंसेस हुए थे, नरेशन हुए थे, तो आज हमारी होगी वॉइसेस, जो हमारे वर्ब का ही एक पार्ट है, हमारी क्रिया का ही एक पार्ट है। तो यहाँ पर आज आपको स्टार्ट कराने वाली हूँ हमारे वॉइसेस, जिसके दो तरह के वॉइसेस होती है हमारे। जैसे कि एक वॉइस होगी हमारी एक्टिव वॉइस और सेकेंड होगी हमारी पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता क्या है, ये मैं आपको आज बताऊंगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे के सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। एक्टिव और पैसिव वॉइस आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं इस एक्टिव और पैसिव वॉइस से रिलेटेड ही। तो इस तरह से आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस की बहुत ज्यादा जरूरत है सीखने की, क्योंकि इस एग्जाम जो भी आपके एग्जामिनेशन होती है, जो भी एग्जाम होते हैं, उसके अंदर ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये जरूर से जरूर आते हैं, देन डेफिनेटली आते हैं। हम स्टार्ट करते हैं, आज वॉइस करते हैं हम स्टार्ट। देखिए, अब यहाँ पर हमारे एक है हमारा एक्टिव वॉइस, एक है हमारा पैसिव वॉइस। अब इसके बीच में डिफरेंस देखते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता क्या है, ठीक है? जैसे कि आई वोट अ कार, ठीक है? अब इसके अंदर ये क्या क्या बताया है कि मैंने एक कार खरीदी, ये हमारा एक एक्टिव वॉइस है, ठीक है? मैंने एक कार खरीदी। अगर अब हम इसे पैसिव वॉइस में देखेंगे तो हम इसे कैसे दिखाएंगे और कैसे लाइंस करेंगे, अब उसकी बारी है। देखिए, आई बॉट अ कार, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा अ कार वॉज बॉट बाय मी। इस तरह से ये चीज होगी हमारी आई बॉट अ कार, ये हमारी एक्टिव वॉइस हो जाएगी और ये हमारी होगी पैसिव वॉइस। दोबारा बता रही हूँ कि वॉइसेस के हमारे दो पार्ट्स हैं, जैसे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। आई बॉट अ कार, ये हमारी एक्टिव वॉइस हो जाती है, एंड अ कार वॉज बॉट बाय मी, ये हमारी पैसिव वॉइस हो जाती है। जैसे कि अगर हम इसकी हिंदी देखते हैं, जैसे मैंने एक कार खरीदी, और अगर हम इसे पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो हम इसे कैसे बनाएंगे कि एक कार मेरे द्वारा खरीदी गई, ठीक है? इस तरह से हमें इसे पास्ट को हम पास्ट में रखेंगे। सबसे ज्यादा जरूरी है इस वीडियो के लिए भी, हमारे टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मेरे नरेशन में बताया था, वैसे ही हमारे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में हमारे टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई बॉट अ कार वॉज बॉट बाय मी। अब ये सब कैसे हुआ और इसके जो रूल्स होंगे वो मैं आगे आने वाली अभी आपको वीडियो में बताऊंगी, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा प्लीज। अब देखिए, यहाँ पर जो हमारे एक्टिव वॉइस का जो हमारा रूल होगा वो क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा सबसे पहले, फिर हमें क्या मिलेगी, फिर हमें वर्ब मिलेगी, उसके बाद हमें क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है? सबसे पहले सब्जेक्ट एंड देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट मिलेगा हमें। ये हमारे एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर अब हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा ये फॉर्मूला होएगा, ठीक है? जैसे कि हमारा सब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा, ये जो हमारा जो भी ऑब्जेक्ट होगा ना वो हमारा सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। लाइक आप इस एग्जांपल में देखिए, अ कार, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था, हमने जब इसे पैसिव वॉइस में देखा तो ये कहाँ चला गया, हमारा सब्जेक्ट की जगह आ गया। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा और जो सब्जेक्ट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जैसे सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। और उसके बाद हमेशा ध्यान रखिए, हमारे पैसिव वॉइस में हम सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे। उसके बाद हम बाय का यूज करेंगे, क्योंकि किसी के द्वारा जब कोई चीज की जाती है तो वहां पर हम बाय का यूज करते हैं। द्वारा की इंग्लिश हो जाएगी हमारी बाय। पूरी पैसिव वॉइस को बनाने के लिए हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उसके बाद हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्टिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट जो होगा वो पहले हो जाएगा, और पैसिव वॉइस जब बनाएंगे उसमें क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा और ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। आगे भी आपको बहुत सारे रूल्स बताऊंगी मैं आपको, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। अब देखिए इसके कुछ रूल्स, इसमें हमें क्या चेंज करना है। अब ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे सब्जेक्ट है, ठीक है? जैसे कि आई वी यू ही शी दे इट, ये क्या है हमारे, ये हमारे सारे के सारे सब्जेक्ट हैं, और हमारे ऑब्जेक्ट, ये हमारे सारे ऑब्जेक्ट हैं।
अब देखिए किसको किस में चेंज करना है वो मैं आपको बताऊंगी। हमारा जो आई होगा, जब हम आई को हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा मी हो जाएगा। हमारा जो ये वी है, जब हम इसे पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो ये अस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो हमारा यू है वो यू में कन्वर्ट हो जाएगा। ही जो है हम उसे हिम में चेंज कर देंगे। शी जो है हम उसे हर में चेंज कर देंगे। दे को हम देम कर देंगे। इट का हम एज इट इज इट रहने देंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, ठीक है। इस वीडियो के चलते ही आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे संभाल के रखिएगा, आपके आगे बहुत काम आएगा। जैसे कि अब आई मी हो जाएगा, बी अस हो जाएगा, यू का यू होगा, मी का हिम, शी का हर, दे का देम एंड इट का इट, ठीक है। इसी तरह से हमारी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बनेंगे। आगे आने वाली वीडियो में आपको मैं आप सब बताऊंगी। अब देखिए, अब हमारे ये कुछ रूल्स हैं जिसके लिए हमें टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। टेंस की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, आप उसे देख सकते हैं। अब देखिए, जो भी हमारा प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस होगा उसके अंदर हमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कैसे बनाना है, अब हमें ये देखना है, ठीक है। एक्टिव वॉइस में हमें क्या मिलेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, और जहां पर हमें वर्ब की स्पाइक फिफ्थ फॉर्म मिलेगी वहां पर हमें क्या देखेंगे, हम डू और डस का यूज देखेंगे, यानी एस और ई एस का यूज देखेंगे। देखिए, जहां पर हमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मिल जाएगी यानी बी फाइव मिल जाएगा, वहां पर हमें एस और ई एस का यूज करना है। कहाँ पर यूज करना है, ये हमें प्रेजेंट इनडेफिनेट में यूज करना है। अब हम इसे साथ में हम इसे क्या लगाएंगे, डू और डस, क्या ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। और यहाँ पर हम यूज करेंगे प्लस नोट। अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव में मिल जाता है हमें, तो वहां पर हम नोट का यूज करेंगे। नोट एंड प्लस क्या आ जाएगी, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए, जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव होता है, जब हम इसे बनाते हैं ना, जब हम इसे पॉजिटिव को नेगेटिव में बनाते हैं तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, और जब हम इसे पॉजिटिव ही रहने देते हैं तब हम करेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज। अब देखिए, हमारा जो पैसिव वॉइस होगा इसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, इसके अंदर हम यूज कर लेंगे इज, एम, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बनाएंगे तब हम यूज करेंगे इज, एम, आर एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखिएगा, मैं ये प्रेजेंट इनडेफिनेट का बता रही हूँ। नेक्स्ट देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे कोई काम चल रहा है, जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ, इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, इज, एम, आर यूज करते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस आई एन जी। ये हमारा फॉर्मूला था ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। अब हम इसे बनाएंगे तो इसे हम क्या यूज करेंगे, इज, एम, आर प्लस हम ऐड कर देंगे बीइंग, ठीक है। इज, एम, आर को हम इज, एम, आर ही लगा रहने देंगे, और इज, एम, आर के प्लस के प्लस क्या हो जाएगा, इसके साथ हमारा बीइंग यूज हो जाएगा एंड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, जिसमें हम हैज हैव का यूज करते हैं। ये इसका रूल है ना, हैज हैव। हैज जो हमारा होगा सिंगुलर में यूज, हैव जो होगा हमारा प्लूरल में यूज, एंड प्लस क्या होगी, हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम इसे प्रेजेंट जो हमारा परफेक्ट है इसे हम हैज हैव करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा यहाँ पर वो हमारा आ जाएगा, हमारा यहाँ पर हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, सेम आ जाएगा हमारा, एज इट इज आ जाएगा। जो हमारा पास्ट इनडेफिनिट होगा इसमें हम क्या यूज करेंगे, जो हमारा पास्ट कंटीन्यूअस होगा हम उसमें क्या यूज करेंगे, वॉज, वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। हमारा ये पास्ट कंटीन्यूअस का रूल है ना, वॉज, वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब हम इसे इसमें इसे हम किसमें कन्वर्ट कर देंगे, हमारे इसमें वॉज, वर प्लस क्या ऐड हो जाएगा, हमारा बीइंग ऐड हो जाएगा, ठीक है। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में प्लस बीइंग ऐड हुआ था इज, एम, आर के साथ, यहाँ पर वैसे ही पास्ट के साथ वॉज, वर के साथ हमारा बीइंग ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा प्रेजेंट में यूज होता है, इसे ध्यान रखिएगा, कोई काम जब चल रहा हो तब हम बीइंग का यूज करेंगे। अब देखिए, हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम जब पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, शैल और विल हो जाएगा, एंड प्लस क्या होगी, हमारी वर्ब की, सॉरी हमारा, सॉरी पास्ट है, ये हमारा हेड का यूज हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा हेड में जाएगा। थोड़ा ऊपर नीचे हुआ हुआ है तो इसकी वजह से थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। ये पास्ट जो है हमारा, पास्ट परफेक्ट में हम हेड का यूज करेंगे, प्रेजेंट में हम हैज हैव का यूज करेंगे, और पास्ट में हम यूज करेंगे हेड का यूज।
ठीक है, और प्लस क्या होगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे ही अगर हम किसका बनाएंगे, ये देखिए, जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तब हम यूज करेंगे हैड बीन का प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट का बनाएंगे, जब हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मिलेगा उसमें हम क्या यूज करेंगे, शैल और विल का यूज करेंगे। आजकल की मॉडर्न इंग्लिश में जैसे मैंने पहले भी बताया था, हम सिर्फ विल का यूज करते हैं, शैल का यूज भी आप आई और वी के साथ कर सकते हैं, मर्जी है आपकी, लेकिन आजकल की इंग्लिश में हम सिर्फ विल का यूज करते हैं, ठीक है। और इसका क्या बन जाएगा हमारा पैसिव वॉइस, शैल विल प्लस ये ऐड क्या हो जाएगा हमारा, बी ऐड हो जाएगा, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। लास्ट देखिए हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी वही सेम हो जाएगा हमारा, शैल हैव या विल हैव, एंड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमें रूल्स एक्टिव हमें एक्टिव वॉइसेस में मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। और ये हमारे पैसिव वॉइस के फॉर्मूलाज है, स्ट्रक्चर्स है हमारे, इसे हम किस में यूज करेंगे, शैल हैव विल हैव बीन। अब इसमें भी हमें बीन का यूज मिल जाएगा। देखिए जहां पर इंडेफिनिट होगा वहां पर तो हम करेंगे सिर्फ बी का यूज, जहां पर हमें परफेक्ट टेंस मिलेगा वहां हम करेंगे बीन का यूज। ये सारे रूल्स हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका भी, ठीक है। ये सारे एक्टिव वॉइसेस जो है हमारी या पैसिव वॉइसेस है, ये सब हमारे इस रूल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। इस रूल्स के अकॉर्डिंग ही हमारे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइसेस बनेंगे। अब आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए। अब देखिए, शी राइट्स अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर, यहाँ पर क्या यूज हो रहा है हमारा, हमारा प्रेजेंट इनडेफिनिट यूज हो रहा है, ठीक है, प्रेजेंट इनडेफिनिट। हम इधर क्या करेंगे, ये क्या होगा हमारा सब्जेक्ट होगा, ये क्या होगी हमारा ऑब्जेक्ट होगा, और राइट्स क्या होगी हमारी वर्ब हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये जो ऑब्जेक्ट होगा जब हम इसे पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या हो गया, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट जो है वो लास्ट में चला जाएगा। लेटर है ये हमारा फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट किस आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, किस आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिटन बाय हर। हर जो होगा हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, शी क्या है हर है ना, तो शी को हम हर में चेंज करेंगे, तो इस तरह से हमारा हो जाएगा पैसिव वॉइस, अ लेटर इज रिटन बाय हर, ये हमारी पैसिव वॉइस हो जाएगी। आगे देखते हैं, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, यहाँ पर हमें कौन सा टेंस दिख रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, आईएनजी है ना, प्लस इज एम आर भी है, तो यहाँ पर ये क्या क्या हमें दिख रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस दिख रहा है हमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर शी क्या होगा हमारा सब्जेक्ट होगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा, हर बार की तरह हम क्या करेंगे ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, और सॉन्ग हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट बन जाएगा हमारा, इसका हमारा इज हो जाएगा, प्लस क्या ऐड हो जाएगा हमारा बीइंग, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमने बीइंग का यूज किया है ना, तो यहाँ पर हम बीइंग का यूज करेंगे। अब जो ये सिंग है हमारा, इसकी हमें थर्ड फॉर्म क्या मिलेगी, सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग, ठीक है, संग बाय हर, इसी का क्या हो जाएगा हर, यानी इसकी हिंदी देखिए यहाँ पर क्या है कि वह एक सॉन्ग गा रही है, ठीक है। अगर हम इसे हिंदी में देखेंगे तो क्या होगा, एक सॉन्ग उसके द्वारा गाया जा रहा है, जहां पर जा रहा है वहां पर हम बीइंग का यूज कर देंगे हमारी पैसिव वॉइसेस में, ठीक है। आगे देखते हैं, आई हैव बोट अ कार, मैंने एक कार खरीदी, यहाँ पर हमें क्या टेंस मिल रहा है, हमें यहाँ पर परफेक्ट टेंस मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर हैव का यूज हुआ है ना, तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मिला है हमें, ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ये हमारा सब्जेक्ट होगा, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, सबसे पहले आ जाएगा, अ कार हैज बीन आ जाएगा यहाँ पर, बोट बाय मी, आई को हम किस में चेंज कर देंगे, मी में चेंज कर देंगे, ठीक है, अ कार हैज बीन बोट बाय मी, ये क्या है हमारी, अब देखिए यहाँ पर आई किस, आई देखिए जब भले ही हमारा सिंगुलर है आई, लेकिन फिर भी हम आई और बी के साथ हमेशा हैव का यूज करेंगे, मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई थी, अ कार हैज बीन बोट बाय मी। अब देखिए नेक्स्ट, रवि स्टोल माई पेन, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, पास्ट इंडेफिनेट की, कैसे पता चला, आप ये देखते हैं कि जो स्टोल है हमारी, इसकी जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, स्टील, अगर हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी यहाँ पर स्टोल,
तो इससे ऐसी पहचान से हमें पता लगता है टेंसेस का कि ये है हमारा पास्ट इनडेफिनेट टेंस, यानी पास्ट इन सिंपल टेंस। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, रवि जो है हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ये हमारी वर्ब हो जाएगी, सेम एज इट इज रूल्स के हिसाब से हमारी पैसिव वॉइस हो जाएगी। माय पेन सबसे पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट जो होगा वो पहले आ जाएगा, माय पेन वाज, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्टोलन हो जाएगी बाय रवि। ठीक है, रवि का रवि आ जाएगा। नाम हम चेंज नहीं करेंगे, ही शी इट को ही हम जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं उसे ही हम चेंज करते हैं। माय पेन वाज स्टोलन बाय रवि, ठीक है, मेरा पेन रवि के द्वारा चुराया गया। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे कुछ एग्जांपल्स। द बॉयज वर प्लेइंग अ क्रिकेट, द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पर हमें क्या क्या दिखा रहा है, हमें ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस दिखा रहा है। ठीक है, तो हमारे जो ये बॉयज है वो क्या खेल रहे हैं, और ये हमें पास्ट कॉन्टिन्यूस दिखा रहा है, वर का यूज हुआ है ना, और ये हमें पास्ट कॉन्टिन्यूस दिखा रहा है कि वो बच्चे जो है, जो लड़के है वो क्रिकेट खेल रहे थे। अब हम इसे कैसे यूज करेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट है एंड द बॉयज हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, तो क्रिकेट जो है ये क्या हो जाएगा, वो हमारा ऑब्जेक्ट बन के इधर क्या बनेगा, ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। क्रिकेट वॉज बींग, यहाँ पर बींग यूज हो जाएगा, क्यों यूज होगा, क्योंकि ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। क्रिकेट वॉज बींग प्लेड, प्लेइंग की हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड बाय द बॉयज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फर्क क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे कि वर्ब का यूज किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैंने यूज कर दिया बोथ का। क्यों यूज कर दिया, क्योंकि यहाँ पर ये वर्ब जो है हमारी जो ये हेल्पिंग वर्ब, ये बॉयज के लिए यूज हो रही थी, बॉयज यानी बहुत सारे लड़कों के लिए यूज हो रही थी, जहाँ पर वो प्लूरल बन जाता है। लेकिन यहाँ पर ये क्रिकेट है, क्रिकेट क्या है, एक गेम है, एक सिंगुलर चीज है, इसलिए मैं यहाँ पर बॉयज का यूज कर रही हूँ। ठीक है, क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज। नेक्स्ट देखते हैं, शी हैड रिटन अ लेटर, क्या क्या सेंटेंस दिख रहा है आपको यहाँ पर, पास्ट परफेक्ट दिख रहा है ना, यहाँ पर हैड का यूज हुआ है, पास्ट परफेक्ट दिख रहा है, तो यहाँ पर शी हैड रिटन अ लेटर, हमारा ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट सेम एज इज रूल बन जाएगा, हमारा अ लेटर जो है वो पहले आ जाएगा, A letter had plus क्या ऐड हो जाएगा, हमारा been ऐड हो जाएगा, verb की थर्ड फॉर्म by her। ठीक है, she का हम क्या बना देंगे, her। इस सारी voices हमारे rules के ऊपर चलती है, अगर rules याद हो गए तो आप exam में कोई भी passive voice एकदम आराम से आप solve कर सकते हैं। I shall play football, बिल्कुल simple है, I shall play football future indefinite है। ठीक है, दिख रहा है आपको यहाँ पर, अब हम future indefinite को किस में चेंज कर देंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूसली। अब देखिए जो फुटबॉल, जो फुटबॉल है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना, ये हमारा सबसे पहले आ जाएगा, फुटबॉल विल बी प्लेड बाय मी। ठीक है, फुटबॉल विल बी प्लेड बाय मी, यहाँ पर विल बी ऐड हो जाएगा एंड प्लेड बाय मी, बाकी सब सेम एज इज रह जाएगा। आप यहाँ पर विल शैल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर विल का यूज हुआ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, शैल या विल कुछ भी चलेगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, he will have completed this project by next month। ठीक है, he will have, यहाँ पर will have का यूज हुआ है। ठीक है, क्या दिख रहा है अब हमें, यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट दिख रहा है, क्योंकि क्या आ गया यहाँ पर, हैव आ गया। ठीक है, ये हमें फ्यूचर परफेक्ट दिख रहा है यहाँ पर। अब देखिए इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं, हमारा ये जो हो क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये जो होगा हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। दिस प्रोजेक्ट, ऑब्जेक्ट जो होगा वो सबसे पहले आ जाएगा, दिस प्रोजेक्ट विल हैव सब सेम आ जाएगा, प्लस क्या ऐड हो जाएगा, हमारा बीन ऐड हो जाएगा। ठीक है, बीन कंप्लीटेड बाय हिम बाय नेक्स्ट मंथ। ठीक है, ये बाकी सब एज इट इज रह जाएगा, टाइम जो होगा हमारा उसे हम लास्ट में आया तो उसे हम लास्ट में ही देखेंगे। ठीक है, अब देखिए कहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, पैसिव वॉइस में है क्या मिल जाता है हमें, यहाँ पर डबल ऑब्जेक्ट मिल जाता है। ठीक है, डबल ऑब्जेक्ट मिल जाता है, जैसे कि देखिए, ही गेव मी अ पेन, यहाँ पर मी जो है हमारा, ये भी हमारा एक सब्जेक्ट, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है, और अ पेन क्या है, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है। फर्क क्या है इसके अंदर, ये जो होगा ये हमारी क्या चीज होगी, ये हमारी लिविंग चीज होगी। ठीक है, ये हमारा लिविंग ऑब्जेक्ट होगा, जिसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट लिविंग ऑब्जेक्ट।
और ये क्या होगा हमारा, नॉन डायरेक्ट हो जाएगा, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, ये हमारी नॉन लिविंग चीज हो जाएगी। पेन जो होगा वो नॉन लिविंग होगा, मी जो होगा वो लिविंग होगा। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट के साथ एक एक हमने पैसिव वॉइस बनाए हुए हैं, इस पे ध्यान देते हैं, ठीक है। अब हम इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे और इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, हम सिर्फ इस वाले ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, सिर्फ मी को देख रहे हैं। अब यहाँ पर मी का क्या हो जाएगा, इधर हम आई आई में कन्वर्ट कर देंगे, जैसे आई को हमने मी में करा था, मी को क्या हो जाएगा हमारा, आई हो जाएगा, आई वॉज गिवन अ पेन बाय हिम। हमने इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये पैसिव वॉइस बनाई है, आई वॉज गिवन, गेव का क्या हो जाएगी हमारी थर्ड फॉर्म, गिवन हो जाएगी, गिवन अ पेन बाय हिम। ध्यान दीजिएगा, इस पैसिव वॉइस में मैंने ये ऑब्जेक्ट यूज किया है। अब किस पैसिव वॉइस में मैं ये ऑब्जेक्ट यूज कर रही हूँ, यहाँ पर दो दो ऑब्जेक्ट है, एक लिविंग ऑब्जेक्ट है, एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आपको चार ऑप्शंस मिलेंगे, आप दोनों ऑब्जेक्ट से बनाकर देखिएगा कि कौन सी हमारी पैसिव वॉइस करेक्ट हो रही है। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारा, अब पेन जो है वो सब्जेक्ट आ जाएगा, वॉस का वॉस हो जाएगा, बाकी सब सेम रह जाएगा, ठीक है, सब एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर हमें कभी कभी दो ऑब्जेक्ट भी मिल जाते हैं तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। देखिए जो हमारा सेकंड वाला सब्जेक्ट होगा, देखिए ये जो मी है ना, हम मैंने इस ऑब्जेक्ट से बनाया है, ठीक है। ये जो मी है ना, मी को हम किस में बदल देंगे, आई में बदल देंगे, ये हमारा आई हो जाएगा एंड बोथ हो जाएगा, यानी हमें पास्ट, ये पास्ट है ना, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, ठीक है। आई वॉज गिवन अ पेन बाय हिम, मैंने इस ऑब्जेक्ट को छेड़ा नहीं है, मैंने सिर्फ इस ऑब्जेक्ट पे ध्यान दिया है, और ये पैसिव वॉइस मैंने इस ऑब्जेक्ट से बनाई है। दो ऑब्जेक्ट है ना, यही है कि हमें कंफ्यूज नहीं होना है दो दो ऑब्जेक्ट में, ठीक है। एक नो, एक लिविंग ऑब्जेक्ट होगा, एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होगा। अब देखिए ये हमारे कुछ एग्जामिनेशन के, हमारे जो ये लास्ट वाले एग्जाम हुए थे उसके कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपको अब सॉल्व करवाऊंगी। द फार्मर प्रिपेयर्ड द फील्ड, इस तरह से ये आपको क्वेश्चन मिलेंगे आपके एग्जाम के अंदर। द फार्मर प्रिपेयर्ड द फील्ड, अब देखिए इसके अंदर क्या यूज हुआ, कौन सा सेंटेंस दिखेगा आपको, आप बताओ कौन सा सेंटेंस दिखेगा। पास्ट इंडेफिनिट दिख रहा है, बिल्कुल पास्ट इंडेफिनिट दिख रहा है, ठीक है, पास्ट सिंपल दिख रहा है बिल्कुल। अब देखिए अब इसके हिसाब से द फील्ड क्या होगा हमारा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, द फार्मर होगा हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, प्रिपेयर हमारी क्या होगी, वर्ब की फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए जब हम इसे पास्ट को बनाएंगे, हम जब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे उसके देखते हैं। अब इसके अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए वर आ गया, ये तो ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो गया, इस पर हमें नजर डालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये फार्मर जो ये एक खेत है हमारी, जो फील्ड है, ये एक सिंगुलर चीज है, एक ही यहाँ पर खेत की बात हो रही है, एक ही फील्ड की बात हो रही है, किसी दूसरे फील्ड की बात नहीं हो रही, तो ये तो ऑब्वियसली हमारा यहीं पर ही रॉन्ग हो जाता है। यहाँ पर भी हमें वर दिख जाएगा, ये भी हमारा ऑब्वियसली रॉन्ग हो जाएगा। इधर तो हमें बींग भी दिख रहा है, बींग हम कब यूज करते हैं, हम बींग करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस में यूज, ठीक है, जब हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही होगी तब हम पैसिव वॉइस में बींग का यूज करेंगे। अब देखिए द फील्ड वॉज, यहाँ पर भी हमें बींग दिख गया, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। अब राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, द फील्ड वॉज प्रिपेयर्ड बाय द फार्मर, द फील्ड हमारा सब्जेक्ट बन गया, वॉज तो यूज कर दिया हमने यहाँ पर, प्रिपेयर्ड का हमने प्रिपेयर्ड कर दिया, ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती है, एंड बाय द फार्मर बाकी सब सेम एज इट इज रह जाएगा। इस तरह से आपको एग्जाम में भी सॉल्व करके देखने पड़ेंगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखिए, शर्मा वॉज क्लीनिंग द हाउस, यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, आई एन जी दिख रहा है, प्लस हमें क्या दिख रहा है, वॉज वर्ब दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बताइए क्या हो जाएगा हमारा, पास्ट कॉन्टिन्यूस, क्योंकि यहाँ पर हमें वॉज भी दिख गया और आई एन जी भी दिख गई। अब देखिए जब हम इसे पैसिव वॉइस में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका वो देखते हैं। द हाउस वॉज क्लीन बाय शर्मा, यहाँ पर जब हम इसका यूज करेंगे, हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस को, ऑब्वियसली बहुत बार मैंने बोल दिया कि हम तब बींग का यूज करेंगे, यहाँ पर कहीं भी आपको बींग नजर आ रहा है नहीं, तो ये गलत होगा हमारा। द हाउस विल बी क्लीन बाय शर्मा, ये तो आपको देखते ही पता लग जाएगा कि ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर विल की बात हो रही है,
विल जो है हमारा ऑलवेज फ्यूचर में यूज होता है, और किसी भी टेंस में हमें यूज नहीं करेंगे हम, विल हमारा फ्यूचर में यूज होगा। द हाउस वॉज बीइंग क्लीन्ड बाय शर्मा। अब देखिए, द हाउस ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट, द हाउस वॉज आ गया यहाँ पर, बीइंग का यूज भी हो रहा है यहाँ पर, तो क्लीन्ड बाय शर्मा, तो ये क्या होगा हमारा, ये हमारा राइट आंसर होगा। फोर्थ बताती हूँ मैं आपको, यहाँ पर इज का यूज होगा, इज जो ऑब्वियसली हमारे प्रेजेंट में यूज होता है, द हाउस इज बीइंग क्लीन्ड बाय शर्मा, तो ये भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा हमारा, सी होगा हमारा राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट, आई बॉट अ न्यू शर्ट लास्ट वीक। वो क्या बोल रहा है कि मैंने लास्ट वीक एक शर्ट खरीदी थी। बॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, ठीक है। हमारी यहाँ पे किसकी बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। लास्ट वीक अ न्यू शर्ट वॉज बॉट बाय आई। आई को हम किस में चेंज करते हैं, मी में, ठीक है, मी में चेंज करते हैं ना, तो ये हमारा ऑब्वियसली रॉन्ग ही होगा आंसर। लास्ट वीक अ न्यू शर्ट इज बॉट बाय आई, यहाँ पर भी सेम मिस्टेक हो रखी है, ये भी हमारा ऑब्वियसली गलत हो जाएगा। ये दोनों तो यूं ही गलत हो गए, इन पे हमें नजर डालने की जरूरत ही नहीं है। अब लास्ट वीक अ न्यू शर्ट वॉज बॉट बाय मी, ठीक है। लास्ट वीक अ न्यू शर्ट, ये वॉज आ गया है यहाँ पर, बॉट आ गया यहाँ पर, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में आया है यहाँ पर, वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म में यूज हुआ था, लेकिन ये हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज हुआ है, एंड बाय मी, तो ये हमारा क्या होगा, ये इसमें कोई भी मिस्टेक हमें नहीं दिख रही है, लेकिन स्टिल हम फोर्थ वाला भी जरूर देखेंगे। लास्ट वीक अ न्यू शर्ट हैड बीन। अब देखिए, हैड तो हमारा परफेक्ट में यूज होता है, ये तो हमारा पास्ट में, मतलब पास्ट हमारा जो इनडेफिनेट होगा उधर तो हम यूज करेंगे ही नहीं, लेकिन यहाँ पर हमारी परफेक्ट की बात ही नहीं हो रही है, तो ये हैड जो होगा ये हमारा गलत आ जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, सी। ऐसे ही आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। लास्ट देखते हैं हमारा, द गेट कीपर रिफ्यूज हिम एडमिटेंस, ठीक है। अब इसका देखते हैं यहाँ पर, द गेट कीपर क्या है हमारा सब्जेक्ट, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, ये क्या है हमारी वर्ब, ठीक है। अब देखिए, ही वॉज रिफ्यूज एडमिटेंस बाय द गेट कीपर, यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट ये है, तो हमारा सबसे पहले यही वर्ड यूज होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन ये ही कहाँ से आया, ही की तो कोई बात ही नहीं हुई हुई, तो ये हमारा रॉन्ग है। एडमिटेंस इज रिफ्यूज टू हिम बाय द गेटकीपर, ये क्या है हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, लेकिन यहाँ पर क्या यूज हुआ है हमारा इज, तो ये भी गलत होगा, आगे इसे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है हमें, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। एडमिटेंस वॉज रिफ्यूज बाय द गेटकीपर, इधर इधर भी हमें इज का यूज दिख रहा है ना, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या मिलेगा हमें, सी मिलेगा। क्यों मिलेगा, एडमिटेंस वोज आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हमें पास पास्ट की बात कर रहे हैं ना, वोज रेफ्यूज बाय द गेट कीपर। गेट कीपर इनका तो हम इधर यूज करेंगे नहीं, क्योंकि एडमिटेंस वोज रेफ्यूज बाय द, वोज रेफ्यूज यहाँ पर हिम का यूज होगा, एडमिटेंस वोज रेफ्यूज बाय हिम, रिफ्यूज्ड बाय द गेट कीपर, एक सेकेंड, तो ये हमारी सॉरी हिम का यूज नहीं होगा, ये शायद रॉन्ग है यहाँ पर। द गेट कीपर रिफ्यूज एडमिटेंस, एडमिटेंस वॉज रिफ्यूज बाय द गेट कीपर, तो ये हमारे हमारे कुछ एक्टिव वॉइसेस है और पैसिव वॉइसेस है जिन्हें आपको करना है, ठीक है, जिसे आप प्रैक्टिस कर करके आप इस सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, हमारी पैसिव वॉइस होगी, एक्टिव वॉइस होगी, कल मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आऊंगी जिसमें हम आपको नया टॉपिक करवाऊंगी जो आपके एग्जाम में काम आएगा, ठीक है। तब तक इस वीडियो का अगर आपको पसंद आई हो इसे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हाँ हाँ ये तो रिकॉर्डेड है सर, इतनी मिस्टेक करता है ना। ये देखो, क्योंकि यहाँ पर ना हमें दो दो सब ऑब्जेक्ट मिले हुए हैं ना, एक तो हमें हिम भी मिला हुआ है, तो
है, एक हमें गीता गेट कीपर मिला हुआ, तो ये जो हमारी पैसिव वॉइस है ना, तो ये हमने द गेट कीपर के हिसाब से बनाई है, ठीक है। दो दो ऑब्जेक्ट है ना यहाँ पर। हाँ जी, तो एक ऑब्जेक्ट छोड़, जैसे हमने वो किया था ना पेन, कौन सा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था वो जो हमने डबल ऑब्जेक्ट किया था ना, वहां पर भी हमने ऐसे ही किया था। नहीं, नहीं, वो तो फिर गलत हो जाएगा ना, क्योंकि हमारा तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से होगा ना, एडमिटेंस इज रेफरेंस। क्या 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 या तो इसका ये आ जाएगा, एडमिटेंस वाज द रिफ्यूज्ड हिम बाय द। हाँ जी, हाँ जी, इसमें ऑब्जेक्ट तो दो है लेकिन एक ही ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनाया गया, एडमिटेंस वाज रिफ्यूज्ड हिम बाय द गेट कीपर। या तो यहाँ पर हिम का यूज हो जाएगा, एडमिटेंस वाज रिफ्यूज्ड हिम बाय द कीपर, या तो इसमें ये आ जाएगा पैसिव वॉइस। कल तुम लोग क्या करोगे सेनोनिम्स के लिए? ठीक हो, सेनोनिम्स सही है एंड एंड इडियम्स, इडियम्स ठीक है। तुमको अगर ये वो करना हो ना, फोटो लेने से स्वाइप करके ले रहना, ठीक है। अरे सुनो, ये आगे रखना, हमारा हेलो। वीडियो